हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ना। आज मैं हरियाणवी बोलने वाला था, तो भाई जितने भाई देख हैं उन सारा ने राम राम। तो भाई थारा भाई आ लिया इब हरियाणा में कौन ही आ लिया, थारा भाई आ लिया मुन्नार भाई एक जगह। लेकिन पहले उनसे पहले तो हमने दिखाऊं, ये देखो जो अपनी दीदी हैं ये सारा पैक वो कर रही हैं। भाई तो ये चाय की पत्ती निकाल रही हैं और चाय की पत्ती निकालने के बाद इसको ले जाएंगी फैक्ट्री में। अगर सही टाइम पे मैं पहुंच पाया तो फैक्ट्री भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पैदल चल रहा हूं तो मुझे पता नहीं मैं कब तक पहुंच पाऊंगा। बाकी आपको नज़ारा दिखाता हूं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों ने मेरा और मुस्तफ़ा भैया की मस्ती देखी थी, मेरी और मुस्तफ़ा भैया की। बाकी जो भी नज़ारे थे आपको मैंने दिखाए थे, लेकिन अभी मैं आपको ये नज़ारा दिखाता हूं। ये ज़्यादा खूबसूरत है, ये देखो आप। लग रहा है कहीं से कि आप किस जगह पे हो, और वो बीच में जो गांव बसे हुए हैं ना, उस गांव को देख के और दिल खुश हो जा रहा है। वो देखो आप, छोटा सा गांव, एकदम फेरी टेल जैसा लग रहा है ना, जैसे कि आप कोई फेरी टेल जैसे परियों की कहानी में आ गए हो। ऐसे परियों में भी ऐसे दूर दूर तक गांव रहता है। हॉबिट में अगर लॉर्ड ऑफ द रिंग आप लोगों ने देखा होगा तो रिलेट कर पाओगे, हॉबिट में ऐसा होता है, एकदम वैसा ही हो रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है जिस तरीके से ये लोग इस जगहों को प्रोटेक्ट करके और सेव करके रखते हैं। देखो ये छोटा सा गांव है, इधर भी पहाड़ हैं, इधर भी पहाड़ हैं। फील करोगे अगर ना आप, तो ये जगह भाई स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा धूप है ना ज़्यादा छाँव है, मतलब एक अच्छा माहौल बन के रखा हुआ है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं उस गांव को पास से कैसा दिखता है। लेकिन जो नज़ारा दिख रहा है ना उधर का नज़ारा, नज़ारे के ही पैसे हैं। बाकी तो आपको पता ही हम कैसे हैं, है ना। अभी मैं आपको यहाँ की ट्रैक्टर दिखाता हूँ, ये देखो। टोटल स्विट्जरलैंड वाली ट्रैक्टर ये लोग यहाँ लेकर आए हैं, और वो अपना गांव तो आप लोग देख ही रहे हो। हेलो दोस्तों, मोड़ी 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 जी, तो मुझे राजनन्ना और मणियन्ना मिले हैं। ये मणियन्ना येलोपट्टी एस्टेट मुन्नार। ओके एंड ही इज व्हाट्स योर नेम? राजेश। ओनली हियर येलोपट्टी? नहीं, आप यहीं तक जाता आगे जाएगा? ओनली ओके। तो यहाँ तक इन लोगों ने मुझे लिफ्ट दी थी, थैंक यू ना। मतलब 5 मिनट की भी लिफ्ट नहीं थी यार। अन्ना यू गोइंग स्ट्रेट? गोइंग स्ट्रेट स्ट्रेट नो? ओके थैंक यू। तो इन्होंने बस यहीं तक के लिए लिफ्ट दी। इसमें चाय ये फैक्ट्री जाता? फैक्ट्री जाता। कब जाता? 3 किलोमीटर। ये यहाँ से फैक्ट्री जाएगा। ये चाय है, चाय की पत्ती। तो आपको मैं खड़े खड़े चाय की पत्ती भी दिखा दे रहा हूँ। बाय। खड़े खड़े आप लोगों को चाय की पत्ती दिखा दी मैंने। महक नहीं रही यार चाक की तरह, लेकिन जो भी है, चलते हैं आगे की तरफ। पहली बार लाइफ में मेरे ब्लॉग में, यू अंडरस्टैंड हिंदी? पहली बार मेरी लाइफ में और मेरे व्लॉग में, लाइफ में तो काफी हुआ था बनारस में, लेकिन व्लॉग में पहली बार कोई ऑस्ट्रेलिया का बंदा मिल रहा है। एंड हियर इट इज एडम। हाय। हे, कैन यू से समथिंग? आई एम एडम, आई एम हियर। या मेड इन दिस नाइस। अंकित। 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 ANKIT। अंकित। 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 ओके। आई जस्ट बीन टू टॉप स्टेशन मुन्नार। आई मेट दिस गाय एंड नाउ वी गोइंग बैक टू Mundan. And what about India? You loved it? I love India, bro. That's why I've come back. This is my third time. Yeah. Hey. So, how about Mundan? I only arrived yesterday, so only today I've seen Top Station, and that's all. That's all. Yeah, but it's nice. Just the bus trip, you know, just to see the biggest tea plantation in entire Asia, maybe. What about Darjeeling? Darjeeling is in India. Yeah, in the north. In the northeast. Northeast. Okay. Yeah. You will go there sometime. No, not now, but I will. Eventually. This year, maybe next year. तो देखते हैं, अभी बात करता हूँ इससे। इनसे बात करने में बहुत मजा आ रहा है।
अभी धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं हम लोग मुन्नार की तरफ। शायद मैं मुन्नार से पहले उतर जाऊंगा क्योंकि टी प्लांटेशन का एक वो है, प्लांट है जहाँ पे टी बनता है, चाय बनती है। तो वहाँ उतर के मैं देखूंगा कि चाय कैसी बनती है, कैसे बनती है, अगर उसमें मोबाइल ले जाना अलाउ करेगा तो देखते हैं। यू डोंट व्लॉग व्हाई? What do you do for a living? I work in a restaurant. Restaurant? Yeah, just like a server. Oh, great. Adam bhaiya ja rahe hain, unko bye bye kar do. Bye. See you, brother. Okay. We will meet in Australia. Maybe. तो एडम भैया गए और हम अभी जाएंगे यहाँ पे देखने के लिए डैम। बाय एडम। तो बेटा बज गया 4, ठीक है 4 बज गए और मैं हूँ अभी डैम के पास, मतलब मेन डैम, यही डैम है। डैम का नाम मुझे नहीं पता, कट्टू पट्टी इस तरह कुछ करके इसका नाम है, डैम है। तो देख रहे हो ना भाई को, आपके अंग्रेज भी मिलने लगे और दोस्त बन गया। तो बोल रहा था अंकित मेरे संग ऑस्ट्रेलिया चलो यार, मैंने बोला भैया ठीक है, मतलब अब ठीक है दोस्ती कर ली है महान अंकित से, दोस्ती करके तुम ऑस्ट्रेलिया लेके जाओगे? इंडिया में मेरी इतनी इज्जत है, देखो लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे, सब्सक्राइब कर रहे हैं मुझे। तो सब्सक्राइब मैं बोलूँगा नहीं कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो, पहले ही बता रहा हूँ मैं। बाकी नज़ारा बहुत खूबसूरत है, देखो आप एक बार। अभी हम नीचे चलेंगे और नीचे से नज़ारा देखते हैं। लेकिन एडम बहुत बढ़िया इंसान था यार, बात करने में एकदम लगा नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया का मतलब ऐसे है। अबे यार अंग्रेजी अच्छी बोल ले रहे हैं अभी हम, तो इंग्लिश है ना मेरी काफ़ी अच्छी हो गई है। और रही बात, लड़कियां नहीं मिल रही है यार, लड़कियां अंग्रेज मिलती तो हेलो बेबी व्हाट आर यू डूइंग ये करता, यहाँ पे दोस्त मिल रहा है तो चलो हाँ भाई बोल, वही वाला सेम हाल है, कुछ अलग नहीं। उससे बात करके बहुत अच्छा लगा, वो बता रहा था कि हम लोग कुछ अलग नहीं है, सारे सेम ही है, सेम कल सिर्फ कलर अलग है, सिर्फ बोलना अलग है, भाषा अलग है, लेकिन नीड वही है, ज़रूरतें वही हैं, इंसान एक ही है। अच्छा लगा सुनकर। बाकी चलते हैं नीचे और देखते हैं कि नीचे से कैसा दिखता है आपका ये नज़ारा। तो भैया आ गए इसके पास, क्या बोलते हैं डैम के पास आ गया मैं। डैम के पास आते ही एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग दिखी, यहाँ पे जेट स्की का पूरा भयंकर व्यवस्था इन लोगों ने करके रखा हुआ है। आप देखोगे जेट स्कीइंग यहाँ पे अच्छे तरीके से मज़े ले लेकर जेट स्कीइंग कर रहे हैं। बहन के भाई हंस रहे थे मुझे देखकर, मेरी लाल हो जाती है जब मुझे कोई देखकर हंसता है, तो सीधी बात है मुझे एकदम पसंद नहीं मुझे देखकर कोई हंसे। हंस नहीं अपनी देखकर हंसो अपनी, क्या बोलूँ छोड़ो जाने दो। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, एरिया बहुत अच्छा है वहाँ पे। उधर कुछ लोग वो पैडलिंग वाली वो कर रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखो, ये पैडलिंग वाला बोटिंग कर रहे हैं और वो कर रहा है जेट स्कीइंग, ये देखो देखो कैसे करेगा ना, देखना अभी ये अभी यहाँ पे आएगा तो कैसे मुड़ाएगा, वो जो बैठी हुई है ना इसकी फट जाएगी। ये देखो मुँह देखो इतने सुंदर तो बंदरिया लगती है। अरे यार वहाँ पे एक दादी बैठी हुई है, उनको समझ में ना आ रहा हो हिंदी, जहाँ तक उम्मीद है समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर समझ में आ रहा होगा तो मेरी बैंड बच जाएगी। या लौंडा जेट स्की नहीं करवा रहा है उसको बैठा के, एकदम हीरो ही बन गया है, एकदम खट 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 मार रहा है अलग भाई, मज़ा भी आ रहा था देखकर, लेकिन इतना तो क्या कटवाने की ज़रूरत है यार, जेट स्की करवाओ उतारो। अब वो भी एकदम चौड़ में हो गई है, ये देखो जो आ रही है ना वही है, क्या चौड़ में उतर के आ रही है, या उसको लग रहा है कि बहुत बड़ा तीर मार दिया। ऐसे तीर हमेशा हर जगह मारते रहते हैं लोग, लेकिन यार जगह बहुत खूबसूरत है। हम वो लोग करेंगे जेट स्की और हम लोग यहाँ कर लेंगे नज़ारा, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने लास्ट टाइम नहीं देखा था यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखो आप ये डैम है एक्चुअली,
एक तरफ वो स्लो राइडिंग वाले वो सब है और एक तरफ फास्ट राइडिंग जो करते हैं वो सब है। उधर बोटिंग चल रही है कपल्स की, जो मियाँ बीवी आते हैं मोहब्बत करने, वो देखो उधर मोहब्बत हो रही है। ये देखो अगर देखोगे तो एक पे दो दो बैठे हैं, अगर ध्यान से दिख रहा होगा तो, ये तो मोहब्बत उधर कर रहे हैं और उधर चल रही है खतरनाक राइडिंग। अब यहाँ पे कोई पास में तो है नहीं जिससे एक्सपीरियंस पूछूं कि कैसा एक्सपीरियंस, तो आपका मज़ा आया नहीं मज़ा आया, लेकिन मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है नज़ारा देखकर। तो निकलता हूँ अभी थोड़ी देर यहाँ से बैठूंगा और थोड़ी देर में निकलूंगा यहाँ से मुन्नार की तरफ, क्योंकि मुन्नार यहाँ से 15 किलोमीटर है, शाम हो जाएगी तो गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी मुझे, अब प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ से 10-15 किलोमीटर मुन्नार, देखता हूँ। ठीक है, तो देख ही लिया था आपने टाटा टी का वो प्लांटेशन, थोड़ा सा साइड से भी दिखा, मतलब फ्रंट से देख लिया था, थोड़ा सा साइड से भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये है अपने टाटा टी का, अपने रतन चचा है ना उन्हीं का ये प्लांटेशन है। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलने लग गया हूँ यहाँ पे आकर, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है आई एम वेरी लाइक आई टॉक टू इंग्लिश आई यू नो या मुन्नार में नीचे तो आ गया मैं, लेकिन मुझे जो आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखानी थी मुन्नार में वो है यहाँ के स्पाइसेस एंड चॉकलेट। मुन्नार चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स के लिए बहुत फेमस है, ये देखो आप। अब यहाँ पे आपको जो भी दिखा ये पूरा चॉकलेट था, मुझे ऐसा पता नहीं था कि मुन्नार में चॉकलेट्स भी मिलते हैं। मुन्नार, कूर्ग, केरला में हर जगह पे होम मेड चॉकलेट्स का बहुत ज़्यादा वो है, होम मेड चॉकलेट्स एंड टॉफीज और स्ट्रॉबेरीज ऊपर मिल रही थी, तो इन चीज़ों का स्पाइसेस, तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा वो है, आप समझ सकते हो प्रोडक्शन है। हाँ, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। होममेड चॉकलेट्स तो भाई हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट हर जगह। अभी मैं जा रहा हूँ मुत्तू करने, उसके बाद फिर आपको और दुकानें दिखाता हूँ चॉकलेट्स की। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बोल रहा था ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो मुत्तू करके, तो टॉयलेट कर लिया मैंने, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। एक दो दुकानें हैं लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में, पीछे भी हैं ये देखो यहाँ पे। नो दे डोंट हैव आई वांट, मतलब मुझे जो चाहिए था वो इनके पास नहीं था, मुझे मेरा नशा चाहिए था। बाकी दुकानें यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और लॉटरी का तो सिस्टम यहाँ पे भी है, ये देखो दुकानें, होम मेड चॉकलेट्स और लॉटरी, ये दो चीज़ें आपको हर हिल स्टेशन पर मिल जाएंगी। कर्नाटक में लॉटरीज नहीं मिलती हैं, ये जो लॉटरीज मिलती हैं केरला में ही मिलती हैं। बाकी जगह ठीक ही है, उधर अपना पहाड़ है पूरा पीछे, तो हिल स्टेशन का ये फ़ायदा है कि लोग हनीमून मनाने से लेकर के घूमने तक सब आते हैं। मुस्तफ़ा अन्ना ने मुझे एक बात बोली थी, मैंने उनको बताया नहीं अपना चैनल का नाम, उन्होंने बोला था कि जो जिसके संग रहेगा वैसा मूड रहेगा, अगर आप अपने दोस्त के संग हो तो आपका घूमने वाला मूड रहेगा, अगर आप मूड बनाने वाले के संग हो तो आपका मूड बना रहेगा, मतलब समझ गए ना। ये यहाँ का थोड़ा एक ब्रिज है। अब चलता हूँ मैं वापस अपने डॉर्मेट्री की तरफ, मतलब बस की तरफ, बस स्टैंड की तरफ, कुछ खाना मिलता है उधर ही खा लूँगा और फिर सो जाऊँगा, सुबह उठता हूँ और फिर यहाँ से निकलूँगा मुन्नार एल ए पी के लिए। तो दोस्तों ब्लॉग को क्लोज करने का टाइम आ गया, मैं आ गया और स्टेशन के पास, आप लोगों को किसी से एक बार मिलाता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो ये जो भाई है इनका नाम है आदिल, एग्जैक्टली, एंड हाउ मेनी डेज यू आर ट्रैवलिंग? फोर्थ डे। एंड वेयर यू वांट टू, व्हाट्स योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन? एंड देन आफ्टर मालप्पुरम। ओके, योर डिस्ट्रिक्ट नेम इज, सॉरी, मालप्पुरम। तो अपना जो भाई है आदिल ये साइकिल से ट्रैवल कर रहा है और 4-5 दिन और ट्रैवल करेगा, मतलब उसके बाद ये चला जाएगा अपने घर, मतलब हाँ ट्रैवलर बहुत बढ़िया है क्योंकि साइकिल से ट्रैवल करना, ये इसकी साइकिल है, अगर आप साइकिल से ट्रैवल करना चाहो तो कर सकते हो, कितना बढ़िया तरीके से इसने लगाया हुआ है। और 18 साल का लड़का है, कितनी कम एज है इसकी, तो लोगों की कितनी कम एज के बाद भी, मतलब आपको स्टार्ट करने के लिए कोई एज की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर मोटिवेशन वैसे ही आ जाता है,
बाकी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से आपको अपना व्यू दिखाता हूँ। और ये बसेस जो देख रहे हो ना, इसमें ही हम सोएंगे। ये जो बसेस हैं, मेरी बस वो वाली है, वो वाली देख रहे हो, ये वाली मेरी बस है। और ये बसेस हैं, इसमें इन्होंने डॉर्मेट्री बना के रखा है, इसमें सोएंगे। और ये देखो यहाँ का नज़ारा, उधर जो पहाड़ थे वो छिप गए हैं, उधर भी पहाड़ थे वो छिप गए हैं, और इधर पहाड़ देखो छिप रहे हैं। तो व्लॉग को क्लोज करने का टाइम आ गया, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जो मन करे वो करो, आपकी ज़िंदगी है, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, है ना? ऐसा नहीं है, पता है आपको क्या करना है।